नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं पीस न्यूज की खबरें नॉनस्टॉप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अलविदा डायबिटीज शिविर का त्रिदिवसीय आयोजन। आनंद सरोवर में आयोजित कार्यक्रम में माउंट आबू से आए मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू ने हेल्दी लाइफ के दिए टिप्स। उसके साथ ही साथ प्रेजेंटेशन के माध्यम से तनाव मुक्त जीवन एवं स्वस्थ आहार की आदतों के बारे में समझाया। डॉक्टर श्रीमंत ने इस दौरान सभी से की अपील कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपने दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव अवश्य लाएं और मधुमेह से अपना बचाव करें। स्ट्रेस इज ए फॉर्म ऑफ मेंटल एगोनी, एक मानसिक पीड़ा है। एक मानसिक पीड़ा है। जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति समस्या आती है तब हम उसको कैसे टैकल करें, हमें जब हमारे रिसोर्सेस की कमी महसूस करते हैं तो हमें टेंशन होता है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दुर्ग मिलिट्री बेस में स्पेशल टास्क फोर्सेस के डीएसपी केसरी नंदन नायक, राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पूर्व डीजीएम एआर रमन, बीके डॉक्टर श्रीमंत, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा द्वारा किया गया। इस दौरान डॉक्टर श्रीमंत साहू ने सभी को म्यूजिकल एक्सरसाइज कराकर फिट रहने के बताए तरीके। इसी क्रम में चिकित्सकों के लिए भी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नैदानिक अभ्यास में ध्यान और आध्यात्मिकता की भूमिका रहा विषय। कार्यक्रम में जिला अस्पताल से पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा गुप्ता, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एचआर डीन डॉक्टर साकेत रंजन विशेष तौर पर हुए शामिल। कार्यक्रम में राज्य शिक्षिका बीके रूपाली ने संस्था का दिया परिचय। वहीं बीके डॉक्टर श्रीमंत ने भी रखे अपने विचार। आप सभी को हम संस्था की गतिविधियों से परिचित कराना चाहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान है और सन 1937 से यह विश्वविद्यालय भारत सहित विश्व के पांचों महाद्वीपों के 9000 से भी अधिक सेवा केंद्रों के द्वारा सेवारत है। सारी लिटरेचर पढ़ा, माउंट आबू गया, हमारी दादियों को देखा, हमारे उनके व्यक्तित्व को देखा, उनका निस्वार्थ प्रेम देखा, स्नेह देखा। अपने माँ से भी जो प्यार नहीं मिलेगा, हमारे दादियों से ऐसा प्यार, मैं सोचा नो, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। जयपुर में सवाई जयसिंह रोड स्थित होटल डिग्गी पैलेस में संस्कृति युवा संस्थान की ओर से भव्य समारोह का आयोजन। 40 प्रतिष्ठित प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव अवार्ड से किया गया सम्मानित। इस खास मौके पर ब्रह्मा कुमारीज में राजापाक सब जोन प्रभारी बीके पूनम को भी राजस्थान गौरव अवार्ड का मिला सम्मान। बीके पूनम को पिछले 50 से अधिक वर्षों से उनके द्वारा की जा रही समाज सेवा, लोगों का जीवन तनाव मुक्त व सुख शांति से संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने पर किया गया सम्मानित। इस दौरान बीके पूनम को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, राजस्थान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, राजस्थान उच्च न्यायालय जस्टिस गोवर्धन लाल बागधार, कार्यक्रम आयोजक संस्कृति युवा संस्थान के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा की उपस्थिति में दिया गया सम्मान। अजमेर के द्वारका नगर सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम। माउंट आबू से आए चार्टर्ड अकाउंटेंट बीके ललित, अजमेर सब जोन प्रभारी बीके शांता, सोशल एक्टिविटी ग्रुप के सेक्रेटरी बीके भानु और बीके संदीप समेत कई बीके बहनें रही मौजूद। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा ने सभी का माना आभार। कार्यक्रम के दूसरे चरण में सीए के विद्यार्थियों के लिए कार्यशाला का आयोजन। बीके ललित ने गिफ्ट ऑफ हैप्पीनेस विषय पर डाला प्रकाश। शाश्वत योगी खेती से किसानों को मिल रहा है लाभ। कर्नाटक में बीदर के ग्लोबल पीस विलेज रिट्रीट सेंटर में लगाए गए पपीते समेत अन्य फलों व सब्जियों की उत्पादकता और गुणों में हो रही है वृद्धि। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित जीनियस पब्लिक सेकेंडरी स्कूल और श्री कालका सेकेंडरी स्कूल में युवा जागृति से भारत के उत्थान थीम के अंतर्गत कार्यक्रम। सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माउंट आबू से बीके राजू ने विद्यार्थियों को व्यसनों से मुक्त रहने की दी प्रेरणा। पुणे में धनकावाड़ी के विश्व परिवर्तन भवन में हाउ टू ओवरकम फ्रॉम एग्जाम फियर विषय पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलभा ने डाला प्रकाश। कहा, राजयोग हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है जिससे हमें परीक्षा के भय से मुक्ति मिलती है। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए लगाया गया 2 दिवसीय विंटर कैंप। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा ने बच्चों को कहा कि क्रोध करने से हमारी शक्ति खत्म हो जाती है। इस दौरान कई प्रकार के गेम्स, एक्टिविटी व क्रिएटिव मेडिटेशन के जरिए बच्चों में लाया गया उमंग उत्साह।
जयपुर में राजा पार्क के मानसरोवर में शिव जयंती के उपलक्ष्य में फहराया गया परमात्मा शिव का ध्वज, बीके ज्योति, बीके पिंकी, बीके मिथिलेश समेत कई लोग रहे उपस्थित। सभी ने निर्विघ्न बनकर दूसरों को निर्विघ्न बनाने का लिया संकल्प। यूपी में हाथरस के पीसी बागला महाविद्यालय के प्रथम एवं द्वितीय संयुक्त एनएसएस शिविर में बीके सदस्यों ने की सहभागिता। आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शांता ने खासकर विद्यार्थियों को समाज के परिवर्तन के लिए आगे आने की कही बात। इस अवसर पर पंजाब बैंक के पूर्व प्रबंधक बीके राकेश अग्रवाल ने संस्थान की बीके बहनों से प्रेरणा लेने की कही बात। शिविर समन्वयक डॉक्टर एमपी सिंह एवं डॉक्टर देवदत्त ने संस्थान की सेवाओं को सराहा। पंजाब में मानसा के सरदार चैतन्य सर्वहितकारी विद्या मंदिर स्कूल में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर कार्यक्रम। प्राचार्य जगदीश पटियाल, सहायक शिक्षक धर्मलाल गोयल समेत कई विशिष्ट लोग रहे उपस्थित। बीके सुनीता ने बच्चों को दी सुंदर प्रेरणा। हम पढ़ते तो है, याद नहीं रहता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान ने किसी एक को बहुत अच्छी बुद्धि दी है, हमें नहीं दी है। भगवान ने सबको एक जैसी दी है, लेकिन हमें उसे यूज करना नहीं आ रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित माउंट आबू साहेब वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके भगवान ने कमेंट्री द्वारा कराए सभी को योगाभ्यास, बच्चों से भविष्य को सुंदर बनाने की कही बात। आगे मानसा सेवा केंद्र द्वारा माई निको देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर कार्यक्रम। प्राचार्य माखन लाल, सीनियर टीचर मीना गर्ग समेत स्कूल का पूरा स्टाफ रहा मौजूद। बीके भगवान ने गुणों को धारण कर हर क्षेत्र में सफलता पाने के दिए मंत्र। राजस्थान आबू रोड के उप कारागृह में कैदियों के नैतिक विकास के लिए ब्रह्म कुमारीज के रेडियो मधुबन की टीम ने की नई पहल। डिप्टी जेलर जयकिशन उपाध्याय को भेंट किया रेडियो सेट। इस रेडियो सेट के माध्यम से रेडियो मधुबन 90.4 FM पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को बंदियों को नियमित रूप से सुनाया जाएगा, ताकि वे खाली समय का सदुपयोग कर सकें। इस अवसर पर रेडियो मधुबन टीम की ओर से आरजे शुभा, आरजे आरुषि तथा आरजे गीता मुख्य रूप से रही मौजूद। चेन्नई में अदियार के श्री माता ट्रस्ट में कैंसर पेशेंट्स के लिए हुआ कार्यक्रम। अदियार सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुथुमनी ने वाटर थेरेपी द्वारा कराई शरीर और मन को स्वस्थ रखने की गतिविधि। नई दिल्ली के संत नगर सेवा केंद्र पर जर्नी फ्रॉम एग्जाम फेयर टू एग्जाम सक्सेस विषय पर कार्यशाला। बीके रोहित, बीके हार्दिक और बीके सना ने विद्यार्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त होने का किया आह्वान। बिहार में गया के डेल्हा स्थित अवस्थी मंदिर में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। लक्ष्मी नारायण की सजाई गई चैतन्य झांकी, टेकारी के जदयू विधायक अभय कुशवाहा एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक समेत अनेक लोगों ने लिया हिस्सा। एपी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता समेत अनेक सदस्यों ने नारे लगाकर दिया ईश्वरीय संदेश। मथुरा के सोनई में गूंजा शिव संदेश शोभा यात्रा में SHO बनवारी लाल, रामलीला कमेटी के प्रबंधक रामनाथ पाठक, सोनई सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश, अलीगढ़ के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता ने परमात्मा की याद से जीवन को सुखमय बनाने की कही बात। आगरा में पिंपल मंडी सेवा केंद्र द्वारा फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को आराधना संस्था के सहयोग से खाने की वस्तुओं का किया गया वितरण। बिहार में मध्यपुरा के जयपाल पट्टी सेवा केंद्र द्वारा शिव और शंकर की चैतन्य झांकी का आयोजन। राज विराज से आई हुई बीके भगवती, सीमावर्ती क्षेत्र प्रभारी बीके रंजू, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके माला, राघोपुर सिमराही से आई बीके बबीता समेत अनेक अतिथियों ने किया शुभारंभ। कर्नाटक में चिकमंगलूर सेवा केंद्र के द्वारा शेट्टी हली और कालासापुरा में लगाई गई अध्यात्म चित्र प्रदर्शनी। बीके सदस्यों ने आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र के साथ कर्मों की गुह्य गति की दी जानकारी। भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सभी वरिष्ठ चिकित्सकों और प्रोफेसर्स के लिए द अनबर्डनिंग द बर्डन विषय पर सत्र का आयोजन। माउंट आबू से IT प्रभाग की संयोजिका बीके सविता ने कर्मों का स्वयं पर पड़ने वाले प्रभावों से कराया अवगत। Today, the whole world is working mostly on the rational intelligence, but not on the emotional intelligence. How to handle my emotions, how to remain emotionally strong. And it's also very much important to understand that each and every karma I am doing from morning till night is having an impact on my happiness. It is having an impact on my peace also.
कार्यक्रम में पटिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके गुलाब भी रही मौजूद। मेजर जनरल प्रोफेसर पी के पटनायक ने बीके बहनों को ऐसे सशक्त सत्र की व्यवस्था करने पर माना आभार। वहीं जॉयफुल लिविंग विषय पर पटिया सेवा केंद्र पर भी आयोजन, लगभग 50 से अधिक यातायात पुलिस अधिकारियों ने लिया हिस्सा। बीके सविता ने बताया कि हर परिस्थिति में कैसे करें आनंद का अनुभव। कार्यक्रम में एसआई सुशांत कुमार मलिक ने भी रखे अपने विचार। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके गुलाब ने सभी को कार्यक्रम की सफलता की बधाई देते हुए अतिथियों को भेंट की ईश्वरीय सौगात। आगरा के नटरांजलि थिएटर्स आर्ट्स द्वारा पंचम अंतर्राष्ट्रीय ताज रंग महोत्सव का आयोजन। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 11 महिलाओं को महिला गौरव अवार्ड से किया गया सम्मानित। पीपल मंडी से बीके ममता को भी दिया सम्मान। कई विशिष्ट लोग रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश में कड़प्पा के राय चोटी में 5 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन कार्यक्रम। पूर्व विधायक मोहन रेड्डी, सिविल जज हारिका समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने किया अवलोकन। बीके गीता, बीके लीला और बीके आरती समेत अनेक बहनों का रहा मुख्य योगदान। छत्तीसगढ़ में दुर्ग के देवकर में 5 दिवसीय आध्यात्मिक शिविर का हुआ आयोजन। बीके प्रभा ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा परमात्मा की शक्तियों को लेने का किया आह्वान। जयपुर में राजा पार्क के बनी पार्क में अमृत महोत्सव का हुआ आयोजन। माउंट आबू से आई ज्ञानमृत पत्रिका की सह संपादिका बीके उर्मिला, जोधपुर के चौपासी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शील, राजा पार्क सब जोन प्रभारी बीके पूनम समेत हजारों लोग हुए मौजूद। फिल्म अभिनेता जीतू वर्मा ने ईश्वरीय सेवाओं के 50 वर्ष पूर्ण होने के लिए दी शुभकामनाएं। भुवनेश्वर के पटिया में ओडिशा फायर एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स अकेडमी द्वारा फायर स्टेशन ऑफिसर्स के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर इवेंट का आयोजन। प्राचार्य माहेश्वर स्वैन और बीके सविता ने विषय पर डाला प्रकाश। उत्तराखंड के किमसर में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में झंडारोहण और रैली का आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती, ग्राम पंचायत अध्यक्ष आरती गौड ने भी सभी को दी शुभकामनाएं। अतिथियों को भेंट की गई ईश्वरीय सौगात। आबू रोड के शांतिवन और मनमोहिनी वन में पीसीपी 2020 के तहत क्लासेस का आयोजन। तकरीबन 400 विद्यार्थियों को शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके मृत्युंजय समेत कई बीके सदस्यों ने आध्यात्मिक जीवन में मूल्य शिक्षा के महत्व विषय पर की चर्चा। उत्तराखंड के रुड़की में शिव जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, पार्षद राजेश्वरी कश्यप समेत अनेक अतिथियों ने शिव ध्वज फहराकर पावन बनने का दिया संदेश। पंजाब के मानसा के बीखी सेवा केंद्र पर मन की शांति हेतु राजयोग का कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपेंद्र और माउंट आबू से आए बीके भगवान ने मन में सकारात्मक विचारों से मनोबल और आत्मबल बढ़ाने की कही बात। भारत विकास परिषद द्वारा त्रिदिवसीय राजयोग मेडिटेशन शिविर का राजस्थान में धौलपुर के बाड़ी में हुआ आयोजन। बीके मंजरी ने बताया कि हम एक दिव्य आत्मा है और शक्तिशाली प्रभु की संतान है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के भारतीय विद्या स्कूल में हम सच्चे और अच्छे बच्चे कैसे बने विषय पर कार्यक्रम। मोटिवेशनल स्पीकर बीके प्रहलाद ने कहा कि हमें प्रत्येक कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। ग्वालियर में बानमोर हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इंडस्ट्रीज में अधिकारियों एवं वर्कर्स के लिए तनाव प्रबंधन एवं मेडिटेशन विषय पर चर्चा करते हुए बीके प्रहलाद ने कहा कि वर्तमान समय तनाव और डिप्रेशन मुख्य बीमारी बन गई है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर सेवा केंद्र पर विश्वकर्मा आध्यात्मिक स्नेह मिलन हुआ आयोजित। माउंट आबू से आई बीके कीर्ति ने कहा कि हमारा जीवन तब सार्थक होगा जब हम हंसते हंसते जाएंगे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजूषा ने अतिथियों का किया स्वागत सत्कार। खबरें नॉनस्टॉप में बस इतना ही। 15 मिनट में 50 खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।